सदस्य है अकबरुद्दीन ओवैसी, इन्होंने चुनावी मौसम एक बार फिर से हैदराबाद में जहरीली तकरीर दी। अकबरुद्दीन ओवैसी ने पहले मुस्लिम कौम के लोगों को जी भरकर भड़काया और फिर अपना एजेंडा उनके सामने रखा। बड़ी खबर है, अकबरुद्दीन ओवैसी की भड़काऊ तकरीर चुनावी मौसम में लोगों को भड़काते नजर आए और ये कहा कि तीन तलाक बुरका विवाद को लेकर जहर उगला है। उन्होंने कहा है कि केंद्र की सरकार मुस्लिम विरोधी है, देश हित में केंद्र की सरकार की नीति नहीं है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपना चुनावी एजेंडा लोगों पर थोपने की भी कोशिश की और पानी पी पीकर केंद्र सरकार और बीजेपी के खिलाफ जहर उगला। वार करो, बेरोजगारी मंजूर है, बदहाली मंजूर है, मुल्क के कमजोर सरदों की परवाह नहीं, लेकिन इनको फिक्र है तो क्या, बस ये टोपी पहना है इसको गोली मार दो, इसमें दाढ़ी है तो इसको मार डालो, बाजारों में चौराहों पे इसको लिंच कर लो, हिजाब है तो पढ़ने से रोक देंगे, कॉलेज जाने से रोक देंगे। आप गौर करो, मुल्क का मसला क्या हिजाब है? क्या मुल्क का मसला मस्जिद मंदिर है? क्या मुल्क का मसला क्या दाढ़ी के नाम पर ट्रेन में गोलियां मारना है? मुल्क का मसला अगर है तो सबसे बड़ा बेरोजगारी का है। अकबरुद्दीन ओवैसी को आपने सुना।